नमस्कार, हमने एकलेसिया कार्डिया की बुनियादी जानकारी के बारे में, एकलेसिया कार्डिया के मरीजों की तकलीफों के बारे में और एकलेसिया के निदान के लिए जरूरी जांच के बारे में चर्चा हमारे पहले के वीडियो में की है और आज हम बात करेंगे एकलेसिया कार्डिया के इलाज के विकल्पों के बारे में। एकलेसिया के इलाज के बारे में सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि अन्ननली के नाश हुए चेतापोष यानी कि नर्व सेल्स को किसी भी इलाज से नहीं सुधारा जा सकता है। उपलब्ध इलाजों में से कोई भी इलाज आपके अन्ननली के स्नायु के संकोचन यानी कि पेरिस्टाल्सिस को नहीं सुधार सकते हैं। सारे इलाज अन्ननली के निचले हिस्से में आए हुए एलियस वाल्व के स्नायुओं को रिलैक्स करके या उस स्नायुओं को काट के वाल्व को खुला रखने का काम करते हैं ताकि खुराक को अन्ननली से जठर में पहुंचने में अवरोध ना रहे। इसके बाद में खुराक गुरुत्वाकर्षण की मदद से अन्ननली में आगे की ओर नीचे बढ़ता है और वाल्व के अवरोध के बिना आसानी से जठर के अंदर पहुंचता है। इलाज दो प्रकार के होते हैं, सर्जिकल इलाज और नॉन सर्जिकल इलाज। आम तौर पर एकलेसिया के मरीजों की तकलीफों को लंबे समय के लिए दूर रखने में सर्जिकल इलाज ज्यादा असरकारक होते हैं। आइए पहले बात करते हैं नॉन सर्जिकल विकल्पों के बारे में। नॉन सर्जिकल विकल्पों के रूप में हमारे पास रहते हैं दवाइयां, एंडोस्कोपिक बोटॉक्स इंजेक्शंस और एंडोस्कोपिक न्यूमेटिक बलून डायलिटेशन। इसमें से दवाइयां और एंडोस्कोपिक बोटॉक्स इंजेक्शन ज्यादा असरकारक नहीं होते हैं और इसीलिए ज्यादातर मरीजों को इनकी सलाह नहीं दी जाती है। हम भी यहाँ पे उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यानी कि नॉन सर्जिकल विकल्पों में हमारे पास रह जाता है सिर्फ एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन। एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन ये एक एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है जिसमें एंडोस्कोप की मदद से बलून को अन्ननली में नीचे उतारा जाता है और एलियस वाल्व के स्तर पर उसको फुलाया जाता है। इससे एलियस वाल्व के स्नायु फट के टूट जाते हैं और वाल्व को खुला का खुला छोड़ते हैं। एलियस वाल्व के स्नायुओं को तोड़ने का ये तरीका इनएक्यूरेट यानी कि अपरिशुद्ध होने की वजह से इसके परिणाम सर्जिकल विकल्पों जितने अच्छे नहीं होते हैं। जिन मरीजों में डायलिटेशन के बाद वाल्व खुला का खुला नहीं रहता है उनमें ये प्रक्रिया को दोहराने की जरूरत पड़ती है। करीबन एक तृतीयांश मरीजों में ऐसा करने की आवश्यकता रहती है। ये प्रक्रिया में अन्ननली के अंदरूनी लेयर जिसको म्यूकोजा बोलते हैं वहां पे डैमेज होके छेद होने की संभावनाएं भी रहती है जिसकी वजह से पेट और छाती में इंफेक्शन फैलता है। ये कॉम्प्लिकेशन होने की गुंजाइश 2-4% मरीजों में होती है। कई बार इसको सुधारने के लिए इमरजेंसी सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये प्रक्रिया के अंदर एसिड रिफ्लक्स को रोकने का कोई प्रावधान न होने की वजह से बलून डायलिटेशन के बाद मरीजों में एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती है। एकलेसिया कार्डिया के इलाज के सर्जिकल विकल्प। सर्जिकल विकल्प एकलेसिया कार्डिया के मरीजों की तकलीफों को लंबे समय के लिए सुधारने के लिए ज्यादा असरकारक होते हैं। सर्जिकल इलाज के अंदर एलियस वाल्व के स्नायुओं को कैमरे की दृष्टि की निगरानी में बारीकी से काटा जाता है। सर्जरी लैप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक पद्धति से हो सकती है। आइए हम एक एक करके दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन जिसे लैप्रोस्कोपिक हेलर्स कार्डियोमायोटोमी विथ डोर फंडोप्लिकेशन भी कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एकलेसिया कार्डिया के इलाज का गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर पेट पर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जिसमें से कैमरा यानी कि लैप्रोस्कोप और अन्य उपकरण पेट के अंदर डाले जाते हैं और उन्हीं की मदद से ऑपरेशन किया जाता है। सर्जन एलियस वाल्व के स्नायुओं को कैमरे की दृष्टि की मदद से बारीकी से शिस्तबद्ध तरीके से काटते हैं और वाल्व को खुला छोड़ते हैं। इससे
खुराक अन्नली से जठर तक आराम से पहुंचता है। एलियस वाल्व के स्नायुओं को काटने का काम कैमरे की दृष्टि के निगरानी में होने की वजह से वो काफी एक्यूरेटली यानी कि यथार्थ तरीके से हो सकता है। अगर वाल्व के स्नायुओं को काटते समय अन्नली के अंदरूनी लेयर म्यूकोजा में कोई डैमेज या छेद होता है तो उसे तभी टांके लेकर रिपेयर किया जाता है और अंतिम परिणाम में इसका कोई असर नहीं होता। सर्जरी के दौरान ही एंडोस्कोपी भी की जाती है जिसमें वाल्व पूरा खुल जाने की और अंदरूनी लेयर म्यूकोजा में कोई छेद न होने की पुष्टि भी हो जाती है। एक बार वाल्व अच्छे से खुल जाता है उसके बाद में आपके सर्जन जठर के ऊपरी हिस्से को मोड़कर हायटस और एलियस वाल्व के कटे हुए स्नायुओं के साथ टांकों से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को पार्शियल या डोर फंडोब्लाइकेशन कहा जाता है। ये खाने और एसिड को वापस अन्नली में ऊपर जाने से रोकने के लिए यानी कि रिफ्लक्स को रोकने के लिए किया जाता है, वरना ऑपरेशन के बाद वाल्व खुला हो जाने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर ऑपरेशन के बाद उसी दिन पहले प्रवाही और उसके बाद नरम आहार शुरू करवाया जाता है। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में मरीज बिस्तर से निकलकर घूम फिर सकते हैं और दूसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान अन्नली के अंदरूनी लेयर म्यूकोजा को टांके लेकर रिपेयर किया गया है तो डिस्चार्ज में एक या दो दिन का विलंब भी हो सकता है। एक हफ्ते के अंदर मरीज को नॉर्मल आहार शुरू करवाया जाता है, पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको खुराक अच्छे से चबाकर धीरे से और बैठी हुई अवस्था में ही लेना है। लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन से लंबे समय के बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। करीबन 70-90% मरीजों को उनकी तकलीफों में लंबे समय के लिए राहत मिलती है। ऑपरेशन के परिणाम एकेलेसिया के टाइप जो हमें मैनोमेट्री में पता चलते हैं और अन्नली चौड़ी होने की मात्रा जो हमें बेरियम स्टडी में पता चलती है उस पर निर्धारित रहते हैं। जो मरीज अपनी तकलीफ के लिए सतर्क होते हैं और समय पे ऑपरेशन करवाते हैं, अन्नली ज्यादा चौड़ी हो जाए उससे पहले ही इलाज करवाते हैं, उनमें सर्जरी के परिणाम बेहद अच्छे मिलते हैं। सर्जरी के अंदर एंटी रिफ्लक्स मेजर यानी कि फंडोप्लाइकेशन भी करने की वजह से ऑपरेशन के बाद में एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं बेहद कम होती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसे पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी यानी कि पोयम भी कहा जाता है, ये एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें एंडोस्कोप और एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उपकरण को मुंह और गले से अन्नली में उतारा जाता है। इसके बाद में सर्जन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अन्नली के अंदरूनी लेयर म्यूकोजा में कट यानी कि चीरा रखते हैं। बाद में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरह ही कैमरे की निगरानी के तहत अन्नली के निचले हिस्से और एलियस वाल्व के स्नायुओं को शिस्तबद्ध तरीके से काटा जाता है। अंत में म्यूकोजा के चीरे को एंडोस्कोपिक क्लिप के मदद से बंद कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद में मरीजों की समस्या में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा ही सुधार देखने को मिलता है और शुरुआती समय के बेहद अच्छे परिणाम मिलते हैं। पर हमें यह समझना होगा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी तुलना में नई सर्जरी है और इसीलिए इसके लंबे समय के परिणाम हमें अभी देखने बाकी हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी का मुख्य मसला ये है कि एंडोस्कोपिक सर्जरी में रिफ्लक्स को रोकने के यानी कि फंडोप्लाइकेशन के कोई प्रावधान न होने की वजह से सर्जरी के बाद में एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, करीबन 40-60%। जिन मरीजों में एंडोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद में एसिड रिफ्लक्स होता है उनको लंबे समय के लिए एंटासिड दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती है। एकेलेसिया कार्डिया की सर्जरी के बाद का फॉलोअप। एकेलेसिया का कोई भी इलाज इस बीमारी के मूल बदलावों को नहीं सुधारता है और एकेलेसिया के मरीजों में अन्नली का कैंसर होने की संभावनाएं एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा होता है।
इसीलिए लंबे समय का अच्छा फॉलोअप बेहद आवश्यक होता है। फॉलोअप का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि फिर से होने वाले बीमारी के लक्षण और एसिड रिफ्लक्स जैसे कॉम्प्लिकेशन का सही समय पे निदान और इलाज किया जा सके। मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बीमारी के इलाज के विकल्पों के बारे में समझ मिली होगी। समय पे और उचित इलाज करवाकर एकेलेसिया कार्डिया का मरीज संपूर्ण रूप से एक नॉर्मल जीवन जी सकता है।